हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भगवत सिंह उदावत सीएलसी सीकर। आज गुरु नीति के अंदर 6/33 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक है सर्कुलर मोशन। और मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह रोज, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। ये जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप ये मान सकते हो कि जो नेक्स्ट टॉपिक कुछ आएंगे रोटेशन है, उनका ये बेसिक है। काइनेमेटिक्स जैसे होता था उसी टाइप का ये काइनेमेटिक्स रहेगा अपन के रोटेशन के अंदर। तो अपन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, स्मूथ पैराबोलिक वायर ट्रैक लाइज इन द वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन। ये एक ट्रैक दे रखा है, मैं अभी यार इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट कि आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर काम आए। यस है, और इसकी इक्वेशन दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये अपन को इक्वेशन दे रखी है। ए रिंग ऑफ मास एम विच कैन स्लाइड फ्रीली ऑन द वायर ट्रैक इज प्लेस्ड एट अ पोजिशन। एक आपको पोजीशन दे रखी है, ये आपको ए पर, जिसका पोजीशन है ए ए, ये पोजीशन दे रखी है। द ट्रैक इज रोटेटेड विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द रिंग एंड द ट्रैक, देन ओमेगा विल बी। मतलब ये क्वेश्चन सर ये पूछा है इसने कि इसके अंदर इसको ओमेगा से कैसे रोटेट कराएं, कितना ओमेगा होना चाहिए सो दैट कि वो रिंग वहां पर इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं। तो सर एक चीज आप मेरे को बताएं, आप बोल रहे हैं कि ये रिंग इसके रोटेशन करने से इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो ये रिंग इक्विलिब्रियम में रहेगी तो उसके लिए कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं और क्या उसकी डायरेक्शन रहेगी और कैसे इसका इक्विलिब्रियम आप बनाएंगे, तो वो चीज थोड़ा सा आप मेरे को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सर, देखो सर ऐसा है कि जैसे आपको रिंग है और ये सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो अपन को पता है कि एक फोर्स तो ये एम जी यहाँ लगेगा जी सर, एक नॉर्मल ऐसा लगेगा। एक सर ये सर्कुलर मोशन तो अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हैं, यदि फ्रेम चेंज करें तो अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, क्योंकि अपन को ओमेगा पूछा है। आप जो बोल रहे थे एम वी स्क्वायर वो भी सही है, लेकिन वी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास नहीं, लीनियर वेलोसिटी इसलिए। तो सर अपन पॉइंट ये आ गया कि ये क्या होगी, ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो अपन क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट इसके साथ एंगल थीटा बनेगी, हॉरिजॉन्टल लेट हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल, तो इस एम जी का ये वाला कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, दैट इज एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में ये थीटा ये भी थीटा रहेगा, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्लाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन का फोर्स क्या होना बैलेंस होना चाहिए, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा कॉस थीटा। अब देखो सर एम से एम तो चला गया, जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर का रूट इज इक्वल टू ओमेगा। तो बेसिकली सर अपन को भी क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, थीटा। और एक बात और है, आर भी है, तो आर तो जिस रेडियस में वो रोटेट कर रहा है, तो आर बेसिकली अपन को पता है क्योंकि इसका पोजीशन आपको दे रखा है ए, तो इसका मतलब आर का वैल्यू तो है ए, तो बेसिकली अपन को सिर्फ टेन थीटा सर फाइंड करना है। टेन थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, टेन थीटा का सर फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यदि इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आ गया टू एक्स डिवाइड बाई ए। अब पॉइंट आता है कि थीटा तो सर हर जगह पर अलग अलग रहेगा, तो अपन को देखना है कि थीटा जब ये ए हो उस समय क्या हो, क्या होगा, x और y दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू a और y की वैल्यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो tan थीटा की जगह मैं यदि लिख देता हूं तो a डिवाइड बाय a दैट इज इक्वल टू 2, तो अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आएगा 2 g डिवाइड बाय a दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये अपन को रिजल्ट याद रखना, मैं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि बाकी मुझे रब करना पड़ेगा, तो ओमेगा जो अपन ने आया है वो आया 2 g बाय a का रूट, बाकी सिर्फ मिटा देते, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तुमको। हाँ तो क्वेश्चन क्या था, हाँ ऑप्शन थे, तो ऑप्शन सर इसमें थे कंपैरिजन करा, तो एन की वैल्यू पूछी थी, एन आ जाएगा सर 2 2, तो ठीक है सर अपना आंसर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करो। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सो क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, इट्स मीन वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, आप ये कह रहे हो सिर्फ ये यूनिफॉर्मली चल रहा है तो स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। अच्छा, तो ये डायग्राम देखा जाए तो ये वी यहाँ पर भी है
और ये भी यहाँ पर भी है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे दोनों पे वी रहेगा। अच्छा, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी v1 वेक्टर मान सकते हैं और इसको आप v2 वेक्टर मान सकते हैं। ओके सर, ठीक है। आगे बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम p टू q। सर मैं इसका डायग्राम बनाऊं एक बार? हां, सो दैट आप इजीली अपन बात कर सके। ये सर पॉइंट साइड पे यहां दे रखा था। यस, ये वेलोसिटी है v और आप ये बोलोगे ये जो वेलोसिटी है वो ये है v, जिसको आपने वेलोसिटी फाइनल बोला है। yeah. और ये आपने इसको वेलोसिटी इनिशियल बोला है। इनिशियल और इसके बीच में एंगल जो है वो थीटा है, राइट? थीटा की वैल्यू अपने को 40 अच्छा दिया हुआ है, 40 दे रखा है। हां सर, आगे बताइए। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जनरली हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और यू कैन से v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर जो गिवन है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको जब ऐसा कंडीशन हो तो डेल v वेक्टर इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं, 2v sin थीटा / 2। यहां पर थीटा क्या है? v1 और v2 वेक्टर दोनों का बीच का एंगल है। एंगल अच्छा, तो एंगल इस v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल अपने को अभी नहीं पता, लेकिन ये एंगल थीटा पता है। तो देखो इस रेडियस का ये टेंजेंट क्या होगा? नॉर्मल होगा, और यहां पर भी ये जो टेंजेंट है वो इसका नॉर्मल होगा। आप ये बोल रहे हो कि ये जो वेलोसिटी है इसके नॉर्मल है ये? या अच्छा, ठीक है सर। तो हम ये चीज एक बात याद रखेंगे हमेशा कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर कोई एंगल थीटा है तो डेफिनेटली उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि वो दोनों 90 है तो वो एंगल भी उतने आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आप लोग ये 40 डिग्री इन दोनों के बीच में दिया हुआ है, तो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। अच्छा, आप ये बोलो कि v फाइनल और v इनिशियल के बीच भी एंगल भी 40 रहेगा, यदि मैं बनाना चाहता हूं। हां, जैसे v इनिशियल ऐसे बनाओ और v फाइनल यदि ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इनके बीच में एंगल भी 40 रहेगा। तो देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सर ने कि यदि अपने पास दो लाइन है उनके बीच में एंगल यदि थीटा है तो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, उनके बीच में एंगल भी थीटा रहेगा, तो अपन एंगल सीधा सीधा सर यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा 2v sin 20 डिग्री, 40/2, तो 20 डिग्री। ठीक है सर, ये yes, तो सर ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं तो सर ये आ रहा है थर्ड आंसर। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज शोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सर ये क्वेश्चन ये पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू बी। अच्छा एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करो या बी विद रेस्पेक्ट टू ए फाइंड करो, मैग्नीट्यूड वाले हमेशा इक्वल आएगा। जी सर, बस डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अपन को सर वो वेलोसिटी लेनी है जो इसके एंगल चेंज कर रहे हो। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इसका ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 25 cos 53, अब cos 53 को यदि मैं लिखूं 3/5, तो इधर की वेलोसिटी आ जाएगी 25 into 4/5, तो ये तो सर आ गया 15 और ये सर आ गया 20। इसी टाइप से सर इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इधर आता है 40 cos 37 4/5, दैट इज 4/5, वन सॉल्व करते हैं सर ये आ गया 32, ये आ गया 32, और इस साइड की वेलोसिटी आ जाएगी 40 × 3/5, ये सर कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा सर 24। ठीक है सर? जी सर। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को अपन देखें तो ये वेलोसिटी एंगल चेंज करने के काम नहीं आ रही है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी रहेगी जो परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग उसके उसके कारण रहेगी। जी सर। तो सर अपन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे याद करने के लिए तो ये बहुत ईजी है, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय डिस्टेंस, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है परपेंडिकुलर उसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग लेंगे। हां सर, कोशिश कर लेंगे अपन दोनों पॉइंट को या दोनों पार्टिकल को जो जॉइनिंग लाइन है उसके अलोंग जो वेलोसिटी है उसको अपने को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वो एंगल चेंज करता ही नहीं है। ठीक, तो उसको लेने से सर को मतलब नहीं है। तो ये सर हो गया, ये आया था 20 जी, वो है 24, तो सर 24 माइनस 20 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है बीच में 2, तो ये सर आंसर हो गया, इट इज 2 रेडियन पर सेकंड। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। ठीक है, तो देखो जब किसी सर्कुलर पाथ पे, ये एक कोई सर्कुलर पाथ है,
इस सर्कुलर पाथ पे ये कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे वी जो है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड में रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो रहेगी, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि ए टी जीरो रहेगा इसके अंदर। जी सर, लेकिन सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एसी तो रहेगा। अच्छा, तो सर एसी का मैं फार्मूला लिख लूं यहां पर, एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वी जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये हमेशा यहाँ पे गिवन है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर हो जाएगा। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए अपना कौन सा सेकंड सर आगे बढ़ा सर। जी सर, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, या वो दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है, इज टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी पूछी है। अच्छा सर देखो, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब आपको सिर्फ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और फाइंड करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। जी सर, अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सर अपन को एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट यूज उसका करना पड़ेगा। अपन को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर में मूव करेगा तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा, ठीक है, तो अपन सेंट्रीपेटल फोर्स इसकी हेल्प से निकालते हैं, तो एफ इज इक्वल टू रहेगा वो, दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर। इसको सर डिफरेंशिएट करते हैं तो आर की पावर माइनस टू है, तो ये आ जाएगा माइनस टू के टू आर की पावर थ्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया ये आ गया सर के डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आ गया फोर्स। अब ये फोर्स जो है इसके सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, इसको बैलेंस करेगा यहाँ पे, ये इसको बैलेंस करेगा। तो मैं एक बार सर लिख लेता हूँ एम वी स्क्वायर आर। अच्छा, ये जो फोर्स आपने लिखा है सर, ये क्या सेंट्रीपेटल फोर्स है? हाँ, मैंने इसका एक्चुअली क्या सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम सी एम ए सी। पर मैं क्या करता हूँ कि जब सर्कुलर मोशन आता है ना, तो यूजली क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में अपन को फीलिंग नहीं आती कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर लेता हूँ, मतलब फ्रेम को चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेम चेंज करने से क्या हो, एकदम अपन को दिखने लग जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रीफ्यूगल जब अपन फोर्स लगाते हैं ना, तो अपने लिए वो सर्कुलर मोशन ऑफ हो जाता है। तो अपन फिर अपन इजीली समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉ मोशन के अकॉर्डिंग। इस कंडीशन में सर एक चीज मुझे बताओ, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जो होगा वो इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल होगा? सर मैंने नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट किया है। अच्छा सर, ठीक है, तो सर इसको मैं अब बैलेंस कर लेता हूँ इस फोर्स के बराबर, तो ये तो अपन को लिख दिया दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई आर क्यू क्यू, तो इससे सॉल्व करने से ये गया तो यहाँ आ गया टू, तो एम वी स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए एम वी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैंने टू से डिवाइड कर दिया, तो यह आ गया के डिवाइड बाई टू आर का स्क्वायर। R की वैल्यू हम लोग देखो रेडियस a पुट करेंगे, रेडियस a पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव k by 2 a स्क्वायर, और ये यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये नेगेटिव है k by 2 r स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, टोटल करेंगे तो सर जीरो आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया सर इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इन ए सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth power of r. If the period of rotation of the particle is t, then relation between t and r is. जब t और r के बीच में relation पूछा है। और अपन को सर एक और दे रखा है, centripetal force भी दे रखा है कि कैसे depend कर रहा है। तो क्या सर अपन लिख लें force जो है वो something k r की power n। ये सर है? जी सर। अच्छा। फिर अब ये centripetal force जो है वो centrifugal force को balance करेगा। अच्छा तो मैं सर यही लिख लेता हूँ m omega square r। ठीक है सर। तो यहां से r को उधर ले जाएंगे। अच्छा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया r की पावर n प्लस 1। इसका मतलब सर ये हो गया कि जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा टाइम पीरियड पूछा है तो सर क्या अपन सीधा यूज कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू आंसर t जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यू कैन से t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप 1 बाय ओमेगा लिख सकते हैं। हाँ। ओमेगा किसके इनवर्सली इसके हां तो ये r ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर से। हाँ। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा r की पावर n प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। अच्छा तो सर ये तो इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है। हां फर्स्ट आंसर है। ठीक है सर, तो फिर आगे बढ़े सर। हां सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मूथ ट्रैक इज शोन इन द फिगर, ए ब्लॉक ऑफ मास m, सर यहां पर एक क्या मास दे रखा है, इज पुश अगेंस्ट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k fixed at the left end and is then released
फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी जीरो। सर ये क्वेश्चन ही पूछा है कि इसको यहाँ से कितना कंप्रेशन करें सो दैट कि जब पॉइंट पी पर आए, ये जो पी पॉइंट ई वाला पॉइंट है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो टच इधर से रहेगा, तो लेट अपन एक मिनट के लिए मान रहे थे कि इधर एन है, ठीक है, ये एम जी नीचे लगेगा, इसका मतलब सर एन जी का एन में तो कोई रोल है नहीं, कोई रोल नहीं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन होगा तो एन होगा, बट क्वेश्चन में बोल दिया कि ये एन जीरो होना चाहिए, ये एन जीरो होने का मतलब है ए सी जीरो, और ए सी जीरो होने का मतलब है कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कितनी, जीरो। बेसिकली सर क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको कितना कंप्रेशन करें कि वो यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके लिए सर लास्ट वाला जो अपना लेक्चर हुआ था उसके अंदर डब्ल्यू टी यूज करना अपन ज्यादा पसंद करते हैं, तो सर अपन क्या करते हैं डब्ल्यू टी यूज कर लेते हैं, यहाँ अपन पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन डब्ल्यू टी यूज कर लेते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, तो अपन सीधा सीधा वही कर लेते हैं जो आप बोल लो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, clockwise direction on a circular path as shown in the figure. The moment of P, P एक कोई point है, is such that it sweep out a length S. देखो ये जो इस circular track पे चल रहा है, तो इस track की जो circumference है, उसका measurement बता रहा है. अब वो S is equal to T की power 3 plus 5. अच्छा T square by 5 सर ये बता रहा है कि इसका S है. ये distance की बात. तो सर इसका मतलब तो मैं इसको differentiate करूँगा तो मुझे तो speed मिल जाएगी. हाँ speed मिलेगी. तो सर मैं एक बार speed लिख लेता हूँ. Tangential जो speed होगी. हाँ वो इसके लिए tangential रहेगी. हाँ. तो ठीक है तो इसको मैं vt लिख लूँ फिर तो. हाँ vt. Okay sir तो ये vt आ गया that is 3 t का square. हाँ सर फिर आगे क्या क्वेश्चन है. ठीक है सर इसके बाद में ये बोल रहा है where s is the meter and t is in second. The radius of path is 20 meter. इसकी radius आपको given है. The acceleration of p when t equal to 0. अच्छा सर अपन को total acceleration पूछा है. इसका मतलब मुझे a भी करना पड़ेगा. यहाँ पे ये acceleration बोला है. तो केवल acceleration बोलता है सर्कुलर मोशन के अंदर तो हम टोटल acceleration की ही बात कर रहे हैं. तो अपन को at और ac दोनों फाइंड करना पड़ेगा. इसका मतलब at के लिए मुझे इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो at को यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको वापस dvt / dt तो ये सर अपने पास आ गया 60 आ जाएगा 60. ठीक है अच्छा तो सर एक बात है 2 सेकंड पर अपन सब वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं फिर अपन को जो करना कर लेंगे 12 आ जाएगा. हां तो AT तो सर हो गया 12 और AC के लिए मुझे चाहिएगा वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय r. तो सर VT कितना होगा सर VT यहां पे आप 2 रखेंगे तो 12 आ जाएगा. अच्छा ये आ जाएगा 12 तो आप ये करना चाहो ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाय r कितना है 20 तो ये सर आ गया 7.2. इसका मतलब अपने पास ये तो आ गया 12 हाँ. वो आ गया 7.2. अब अपन टोटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा a वो कैसे कैलकुलेट करेंगे रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर. तो यहां पे देखो at कितना 12 सर 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये कितना है 7.2 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू सर आप बोलोगे 40 के पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके सर ठीक है इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा. ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है ए गिवन फिगर एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन. अच्छा सर इसमें ये जो 15 दे रखा है ना ये टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है. लास्ट वाले में आपने फाइंड किया था यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि टोटल एक्सेलरेशन वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सर्कुलर रेडियस सर रेडियस भी दे रखा है ठीक है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. अच्छा ये सर गिवन इंस्टेंट और ये एंगल भी दे रखा है ये इसका सेंटर भी दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है मतलब वो 30 दे रखा है. तो आपको पूछा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है वी. अच्छा तो सर अपन इसमें काम कर सकते हैं. अपन को जब सेंटर के बारे में पता है कि सेंटर यहाँ गया और टोटल एक्सेलरेशन होता है वो ए सी और आई टी का कॉम्बिनेशन होता है तो इस एक्सेलरेशन का यदि मैं इस स्लाइडर का कंपोनेंट लेता हूँ तो वो आ जाएगा ए सी सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल. तो मैं सर ए सी का वैल्यू लिख लेता हूँ आप इसका a का कंपोनेंट इधर a cos 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 30 रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना दे रहा है सर 2.5 दिस 2.5
ठीक है, तो सर ये तो बस अब कैलकुलेशन रहेगी, बस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ से 2.5 को इधर ले लें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 15 इंटू रूट 3 बाई 2। देखो रूट 3 की वैल्यू अपन 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अपना फर्स्ट आंसर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सर मतलब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था कि टोटल एक्सेलरेशन देकर भी अपन को कुछ चीजें पूछ सकते हैं। जी सर, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की बात करें। ए बॉल ऑफ ए मास m इज रोटेटिंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड v इनसाइड ए स्मूथ कोन as shown in figure, let n be the normal reaction on the ball, the cone, then the choose the wrong statement. Wrong statement अपने को choose इसका मतलब इसमें उल्टा पूछा है, आपको wrong option select करने हैं। हाँ। तो अपन देख लेते हैं right कौन से हैं, बाकी अपना भी wrong हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ये कौन है, इसकी ये एज है, इसके साथ में ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल जो रोटेट हो रहा है इस एम की पोजीशन ये मानता हूँ, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल ये इधर ऐसा कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है सर, और इसका ये वर्टिकली डाउनवर्ड से जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट जो होगा वो एम जी होगा, ऐसे होगा। ठीक है सर, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक फोर्स और एड करेंगे, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम करके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, तो करेक्ट करेक्ट, देखो ये मैं वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूँ, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये टोटल 90 है, इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा। अच्छा, ये बोलो कि आप ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये तीन अपना एंगल आगे थीटा। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा किसके इक्वल बैलेंस कर देंगे, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के। तो यहाँ से n cos थीटा आपका सर डिग्री में लिख लेता हूं। हां हां, m cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, एक तो सर ये लिख दिया। हाँ। अच्छा, अपन सर ये भी कर सकते हैं कि इस n का जो कंपोनेंट है इस साइड में n sin थीटा, तो ये आ गया अपने पास n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, अब इनमें से ये दो ऑप्शन है, अपन इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, और ये वाला जो फोर्थ वाला इससे आ रहा है, a small ball of mass m start from rest from point abc, मतलब एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट b and c दे रखा है, b and c। तो सर ये डायग्राम अपन को उस नेक्स्ट स्लाइड में चाहिएगा, तो मैं इसको फिर से कुछ ड्रा कर देता हूं। ये एक सरफेस दे रखी है सर, ये एक पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है b and c, c ये ओरिजिन है, ये 0 0 पर है, ये अपने पास x एक्सिस है और ये y y एक्सिस है, या अपन को गिवन है। ठीक है, विच पे, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दे रखी है कि पैराबोला है। हाँ, ठीक है, सर्कल में। हाँ, पैराबोला है। नॉर्मल फोर्स एट द ग्राउंड एक्सर्ट एट द इंस्टेंट द बॉल अराइव एट द लोएस्ट पॉइंट, ये बोलना चाह रहा है सर कि जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। मतलब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि बॉल जब यहाँ पर आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। तो देखो सर, पाथ चाहे सर्कुलर नहीं हो, लेकिन अपन को पता है कि एवरी पाथ इज पार्ट ऑफ द सर्कल। आप कोई भी पाथ लो, कोई किसी न किसी सर्कल का पार्ट रहेगा, लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन को आनी चाहिए फाइंड करने। जी सर, तो कुल मिलाकर बात ये होगी इस क्वेश्चन पर, जो लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो ये नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर, डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा, और ये बात कर लेते हैं अपन mv स्क्वायर / r, सेंट्रीफ्यूगल रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर अपन को सर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना वही इंपॉर्टेंट है सर। जी सर, तो पहली बात मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं, n is equal to mv स्क्वायर mg plus mv स्क्वायर / r। ठीक है, अच्छा सर अभी ये पैराबोला दे रखा है, अच्छा पहली बात तो उसके लिए सर अपन क्या करते हैं, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ सी इज इक्वल टू के
बी का स्क्वायर, तो सर अपने पास वाई की इक्वेशन आ गई सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। वी स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, तो सर वी स्क्वायर तो बहुत ईजी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, एच मतलब कितना नीचे आया है, तो ये वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट हाँ सी के इक्वल हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो b के इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा c। तो सर अपने पास यहाँ पर भी आ गया, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट बाद में मिटाना पड़े, तो mg प्लस m v स्क्वायर किसके 2gc टू जी सी डिवाइड बाय r। तो सर कुल मिलाकर अपना आप टारगेट रह गया कि मुझे कैसे भी करके r फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला है, यदि आपको y फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, ये सर्कुलर मोशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करें, जी सर तो आपको दे रखा हो तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला होता है याद रखना है, वन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा थ्री बाई टू टू, जिस पॉइंट पर चाहिए वो अपन वहां पर वैल्यू पुट करते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए और इसका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हो जाएगा टू टू एक्स सी बी स्क्वायर, ठीक है सर एक्स, ठीक है, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स का टू सी वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू सी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये आ गया सर डबल डेरिवेटिव। अच्छा मुझे ये चाहिए किस पॉइंट पर चाहिए सर, ये पॉइंट चाहिए ओरिजिन पर, ये वाला ओरिजिन पर चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर जो है वो ओरिजिन पर चाहिए, तो ये तो हो गया जीरो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मैं जैसे एक्स को करूंगा तो जीरो, तो ये जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो सर मैं यदि यहाँ लिखू तो आर इज इक्वल टू आ रहा है वन प्लस जीरो हो गया जीरो, उसको छोड़ देते हैं डिवाइड बाय इसकी थ्री बाई फोर भी होगा वो हो जाएगा वन हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो गया टू सी बाई बी स्क्वायर, टू सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू सी सी, यहाँ रख सकते हैं हाँ, तो यहाँ पर रख लेता हूँ, तो ये सर आ गया एन इज इक्वल टू एम जी प्लस टू एम जी सी डिवाइड बाय आर, आर का वैल्यू सर यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी स्क्वायर इंटू टू सी, तो एम जी तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, जी सर ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया फोर सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये सर आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये अपन याद रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में अपन को चाहिएगा, तो एक बार देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो आ रहा है, आंसर आ रहा है वो बी स्क्वायर फोर सी स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इन द सॉन फिगर ए स्मॉल मास एम स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ एंड स्टेशनरी सर्कुलर ट्रैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ट्रैक ऑन द मास एंड एंगल इट एंगल थीटा, मतलब ये सर पूछना ये चाह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो उसके बीच में आएगा वो हाँ। और थीटा के बीच में कौन सा रिलेशन बढ़िया रिप्रेजेंट करेगा, जी सर तो अपन सर एक काम कर सकते हैं हाँ। थीटा वाली पोजीशन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हाँ, बात करते हैं वो कर लेते हैं, तो एक तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है mg, बिल्कुल सर, तो इसके अलावा इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mg sin theta, mg sin ये थीटा है तो ये हो जाएगा mg sin theta, तो मैं सर लिख लेता हूँ इस इधर ये आ गया mg sin theta, ठीक है sin theta हाँ ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो सपोज दैट ऐसे v वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r भी लगेगा ठीक है, तो यहाँ पे सर अपने को v की वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा ठीक है, तो सर मैं एक बार m लिख लेता हूँ फिर अपन उसको लिख लेंगे, तो क्योंकि फिर वो हाँ। मिटा सकते हैं, तो ये आ गया mg sin theta प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है सर r आपको अपन को गिवन है हाँ। तो अपन को सर वेलोसिटी फाइंड करने रही और डायग्राम अपन को यदि याद है तो अपन बोल सकते हैं कि एक्चुअली थीटा अपन को यहाँ से दे रखा है, ये थीटा इधर से दे रखा है, ये दियो है और ये यहाँ पर आया, तो ये इतना नीचे आया, हाइट वाइज बात करें तो हाइट इतना नीचे आया, तो हाइट जो नीचे आई है वो आई है r sin थीटा, तो अपन यदि वर्क पावर एनर्जी लगाए सीधी सीधी सॉरी वर्क एनर्जी टर्म लगाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टू जी एच H की जगह R sin theta आएगा टू जी
आर साइन थीटा, ये छोटा आर लिखा है, इसमें भी छोटा आर लिख लेता हूँ, टू जी आर साइन थीटा। तो यदि सर यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो एन का वैल्यू आ रहा है थ्री एन जी साइन थीटा। तो सर ये आया, अब बताओ सर इसका ग्राफ फिर कैसे आना चाहिए? साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ही। अच्छा, साइन के अकॉर्डिंग आएगा इसका मतलब, तो सीधे सीधे हो गया कि अपन को साइन का ग्राफ आना चाहिए। जी सर, और साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो इसका पीक वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, तो मैं यहां का ग्राफ बनाऊं सर? हां सर। जो एन है इसका मतलब पहली बात तो ये एन ऐसे आएगा। हां, और आप ये बोलोगे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 3mg। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सर आ रहा है कि ये जो थीटा है वो कब आए, जब थीटा है पाई बाई 2। इसका मतलब ये बोलो जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो नॉर्मल सबसे ज्यादा रहेगा, वो रहेगा 3mg। mg नहीं रहेगा, यूजली अपन मान लेते हैं कि mg, लेकिन सर्कुलर मोशन रहेगा तो 3mg आएगा यदि वहां से रिलीज करते हो तो। ठीक है, ओके सर, बढ़िया सर क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये सर पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ ढंग से पढ़ लेते हैं पहले। ए पार्टिकल स्टार्ट मूव ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस दे रखे, विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा फ्रॉम द रेस्ट। तो आपको अल्फा गिवन है, आर गिवन है, तो मैं एक ट्रक बना लेता हूँ जिसकी रेडियस आर है और एंगुलर डायरेक्शन अल्फा है। इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ जीरो, तो ये होगा जीरो। अब सर पूछा नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो सर बात यह है कि आपको टाइम टी के बाद एक्सेलरेशन पूछा है, वही बात दो फाइंड करना पड़ेगा, एटी और एसी दोनों फाइंड करना पड़ेगा। जी सर, तो सर पहली बात अपन एसी की बात करें, ओमेगा स्क्वायर आर से कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी इक्वेशन लगानी है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो सर ये तो अपने पास सीधा सीधा आ गया अल्फा टी। जी सर, तो सर एसी का वैल्यू सीधा लिख लेता हूं मैं, अल्फा टी का स्क्वायर इनटू आर। अब अपन को चाहिए सर एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सर क्या करेंगे उसके लिए, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जब अल्फा है तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है, सीधा लिख लेते हैं इसको, मतलब अभी बोलो तो जो एटी होता है वो सर होता है अल्फा आर। जी सर, तो सर ये तो बहुत आ गया स्टेप से, हमको टोटल एक्सेलरेशन लिख लें तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर का रूट। तो सर बस वैल्यू पुट करनी रही है अंदर, वैल्यू पुट करेंगे तो सर ये आ गया अल्फा की पावर टू फोर, सॉरी फोर, टी की पावर फोर आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा आर तो आ गया बार, और यहाँ रह गया ये तो सर वन ही रह गया, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर टी की पावर फोर, टी की पावर फोर। तो ये तो सर पहला आंसर आ रहा है, सर पहला आंसर आ रहा है। जी सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए पार्टिकल स्टार मूव ऑन द वही सर क्वेश्चन वापस होगा भाई, कोई पैराग्राफ में बस आपको बताया द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द नेट एक्सेलरेशन। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में रहेगा सर एटी, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, ये तो रहेगा वेलोसिटी और ये है नेट एक्सेलरेशन ए, इसके बीच में एंगल पूछा है ये वाला। जी सर, तो सर अपन इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ये तो इस डायरेक्शन में रहेगा एटी और ये अपने पास एसी, एसी तो जो टेन थीटा है वो एसी अपॉन वो आ गया एसी डिवाइड बाय एटी, और एसी और एटी जैसे अपन फाइंड किए थे तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। अब सर एसी का वैल्यू वापस फाइंड करना पड़ेगा अपना, तो वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आर आर अपॉन में और अल्फा इनटू आर, ये आ जाएगा अल्फा इनटू आर, अल्फा इनटू आर आर। तो इसके अंदर सर सर कौन सा आंसर आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हां सर अल्फा इनटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, टेन जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स अल्फा इनटू टी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग अपना सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक कोई पॉइंट है ओ और एक की एल लेंथ की स्ट्रिंग थी रस्सी थी,
इससे ये एक बॉब यहाँ रिलीज किया है, यहाँ से रिलीज किया। ठीक है, ठीक है सर। तो ये पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो दूरी के निम्नतम बिंदु पे वेलोसिटी ऑफ बॉब एट द लोवेस्ट पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सर ये तो वेलोसिटी में सीधा सीधा लिख सकते हैं 2gl का रूट। तो ये आ गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला आ गया। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रिंग इज सी कैच बाय ए नेल लोकेटेड वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द बॉब फर्स्ट स्विंग अराउंड ए कंप्लीट सर्किल अराउंड द नेल देन द डिस्टेंस ऑफ नेल फ्रॉम द ओ। देखो, ये जब इस वर्टिकल पोजीशन में था उस कंडीशन में इस ओ से कुछ एक डिस्टेंस एक्स से बिलो नीचे की तरफ यहां पे आपने की पिन से इसको फिक्स कर, फिक्स कर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करेगा सर्कुलर, मतलब आप ये बोलोगे इसका जो नया रेडियस है वो चेंज हो गया, नया रेडियस आ गया सर एल माइनस एक्स, ये आर मान लिया जी सर, रेड एलिमेंट एक्स। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस पूरे वर्टिकल सर्किल के अंदर ये कंप्लीट सर्किल में मोशन। तो सर उसको देखो, अपन को एक रिजल्ट याद है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होनी चाहिए रूट ऑफ फाइव जी आर। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन से अपन को उस पॉइंट की वेलोसिटी भी बताया, वो रूट टू जी एल अपने पास। तो सर अपन उसे यूज कर लेते हैं। हाँ, तो जो वेलोसिटी है वो है टू जी एल इक्वल टू फाइव जी आर के बराबर, फाइव जी एल माइनस एक्स, ये बोलना सर। हाँ सर, ठीक है। तो अपन इसको अब ये जो कट ट्रेवल काट देते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, इसको मिटा लेता हूँ। तो ये आ गया टू एल इक्वल टू फाइव एल, फाइव एल माइनस फाइव एक्स, तो ये 5x is equal to 3l हो जाएगा। 5x is equal to हो जाएगा सर 3l, x is equal to 3 by 5x। थर्ड अपना आंसर कौन सा होगा? नेक्स्ट बढ़े। हाँ, क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, मास m मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r सच दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ, ये आपको सर एक्सेलरेशन दे रखा है kt स्क्वायर kt, और यहाँ पर एक नया वर्ड यूज किया है नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, उसको अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये उसके लिए दूसरा टर्म था, उसे समझाने के लिए अपन क्वेश्चन यूज किया है। यस सर। तो सर अपन को ये बोल रहा है कि जो एसी है उसका वैल्यू दे रखा है के टी का स्क्वायर, इसका मतलब सर मैं एसी को लिख सकता हूँ वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन आगे क्या वो देख लेते हैं। के इज कॉन्स्टेंट, तो आपको पूछा है टेंजेंशियल फोर्स। सर टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है कि मुझे चाहिए m इंटू एटी, कुल मिलाकर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। जी सर। तो उसके लिए तो मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार सर लिख लेता हूँ वी टी इक्वल टू रूट ऑफ के आर इंटू टी टी, तो डी वी टी डिवाइड बाय डी टी, इससे अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा के आर। जी सर। तो अपन यहाँ पर वेल्यू पुट करता था तो ये m रूट के आर, तो इसका सर आंसर हो गया सेकंड वाला, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े सर। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस r, वो तो सर वो लास्ट वाला पैराग्राफ ही क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ए पावर डिवाइडेड बाय द टोटल फोर्स एट एनी टाइम t, तो सर पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है f डॉट v। सर्कुलर मोशन में यदि अपन देखते हैं तो वेलोसिटी रहती है इस डायरेक्शन में और फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, दैट इज एफ सी एंड दैट इज एफ टी। ये टेंजेंशियल अपने लास्ट में निकाला था, दैट इज के एम सॉरी के आर इनटू एम, तो कुल मिलाकर अपन को सिर्फ वेलोसिटी निकालनी चाहिए। और आपको ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दे रखा था तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो m सॉरी सेंट्रीपेटल वो दे रखा है v स्क्वायर बाय r जो है अपन को दे रखा है k t स्क्वायर, तो सर v हो गया k r अंडर रूट मल्टीप्लाइड t t। तो सिंपल सी बात होगी कि मुझे इस वेलोसिटी और इस टेंजेंशियल फोर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो जो पावर आ गया वो आ गया रूट k r m इंटू रूट एंड ऑफ लेंथ एल ऑसिलेट इन ए वर्टिकल प्लेन
with an angular amplitude of a theta naught. Let the breaking strength of a rope be 80 kg and theta be the angle made by a string with vertical at any moment which are correct. अच्छा सर ये बोला ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक कोई है जो ऑसिलेट कर रहा है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम देगा थीटा नॉट अपन वापस क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा उसका तो अपन शीट लेनी पड़ेगा हाँ सर ये बोला है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टॉलरेट कर सकता है वो है 80 kg जी सर ठीक है हाँ सो एक बार मैं वापस बैक जाना पड़ेगा हाँ तो लेट द स्ट्रिंग रोप थीटा kg है और मास 40 kg है तो 40 kg के साथ ऑसिलेट करना दैट इज 40 kg ये इसका ब्लॉक है 80 kg जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है तो टी मैक्सिमम लिख लेना सर दैट इज 80 kg ठीक है तो ये अपन सर इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किसी एक ही टाइम टी पे इसकी एंगुलर पोजीशन जो बताई है अच्छा। वो वर्टिकल के साथ थीटा बताई वर्टिकल थीटा दिखाई है हाँ जी तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी अपन को पूछी होगी हाँ, एक तो वेलोसिटी देखना है और यहाँ पे इस पोजीशन पे एक टेंशन क्या होगा उसकी बात चलो देख लेते हैं सर तो देखो सर पहली बात है जो यहाँ से आएगा तो ये हाइट जो नीचे वो मैं लिख लेता हूँ हाइट जो आएगी सर वो आएगी आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा नॉट जी सर ठीक है तो अपने पास आ गया हाइट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट ये आ गई हाइट जी सर तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी रूट ऑफ 2gh तो h है ये r cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट ये आ गई वेलोसिटी तो सर एक में वेलोसिटी पूछी थी हाँ जी ये वेलोसिटी है वेलोसिटी करेक्ट है ठीक है ऑप्शन अपन देख लेंगे हाँ। और टेंशन की बात है तो जो टेंशन है वो है mg cos थीटा प्लस m v स्क्वायर बाय r जी सर तो v स्क्वायर बाय r के लिए सर ये हो जाएगा 2g cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट तो ये सर आ रहा है 3 mg cos थीटा mg cos थीटा माइनस 2 mg cos थीटा नॉट ये सर मल्टीपल था सिंगल चॉइस है मल्टीपल चॉइस था अच्छा तो ये इनमें से ऑप्शन कौन कौन सा राइट हो रहा है ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है ये पहला ऑप्शन है वो राइट है ठीक है सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है और ये मैक्सिमम टेंशन जो है लोवेस्ट पॉइंट पे होगा वो भी अपने को कैलकुलेट करना है अच्छा तो उसके लिए थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते क्या जीरो रख देंगे तो यहाँ से आप टी मैक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे हम लोग मतलब ये थीटा जीरो करेंगे तो अपने आप ही मैक्सिमम आ जाएगा हाँ ठीक है वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा ठीक है तो मतलब मैक्सिमम ठीक है हाँ फोर्थ ऑप्शन क्या पूछा है फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है अच्छा तो मतलब 80 kg का यूज एक बार मैं सर वापस देख लेता हूँ हाँ मैं टी एक बार यहाँ साइड में लिख लेता हूँ टी इज इक्वल टू 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg cos थीटा नॉट और बाकी को रब कर लेते हैं सो दैट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हाँ ये वेलोसिटी रहने देते हैं ओके सो ऑप्शन तो वेलोसिटी ऑफ द मैन व्हेन द रोप मेक्स एंगल थीटा वो तो अपन सॉल्व कर लिए जी सर ठीक है ये हमारा ये राइट है द टेंशन इन द रोप व्हेन द मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल वो मास दे रखा था और उससे किया और जी का वेलोसिटी इन्होंने 9.8 लिया है इसलिए ये 392 आ रहा है 392 यहां पे 9.8 into 40 का हां अदरवाइज 400 आता है जी सर तो ये भी राइट है द मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड विद व्हिच द मैन कैन ऑसिलेट विदाउट द रोप ब्रेकिंग इज थीटा अच्छा ये बोलना चाह रहा है कि ये थीटा नॉट का वैल्यू जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है वो पूछ रहा है जी सर तो अपन को बताया कि मैक्सिमम टेंशन तो नीचे रहेगी जी सर तो 80 जी बोल रहा है तो क्या करना है 80 इंटू जी ये टी मैक्सिमम है जी सर इज इक्वल टू उस केस के अंदर ये हो जाएगा 3 mg 1 जी सर माइनस 2 mg cos थीटा cos थीटा नॉट m की वैल्यू आप 40 kg रख सकते हैं इसको 40 रख लेते हैं और जी से जी कैंसिल कर दें तो 40 तो यहां रहेगा 2 जी से जी ए जी से जी चला गया तो ये आ गया 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 cos थीटा नॉट ये आ गया 2 cos थीटा नॉट cos थीटा नॉट इक्वल टू 1 2 ये 2 cos थीटा नॉट होगा 1/2 ठीक है थीटा नॉट की वैल्यू 60 60 आ गई ठीक है तो ये आ गया अपना थर्ड भी करेक्ट है थर्ड भी करेक्ट आ गया और फोर्थ ऑल ऑफ दिस तो ये राइट हो गया चारों चार ऑप्शन करेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखो A small body of mass m slide down from the top of heavy sphere of radius r
The surface of globe and hemisphere are frictionless. The height from the ground at which body lose the contact with the surface of the sphere. ये बोला है कि यहाँ से यदि रिलीज करना शुरू करता है तो कहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट लूज करेगा. जी सर. तो अपन इसको नेक्स्ट डायग्राम में बना लेते हैं कि हाइट पूछ जाए तो ऐसे सर यहाँ से रिलीज करेगा तो ये इस पॉइंट पर आएगा. लेट अपन अज्यूम कर लेते हैं. एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ हम ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट लॉस हुआ है. सर कॉन्टेक्ट लॉस का मतलब है नॉर्मल जीरो करना पड़ेगा अपन को. नॉर्मल रेट नॉर्मल जीरो है वो जीरो एन जीरो करना पड़ेगा सर. और एन नॉर्मल जीरो होने का रीजन भी दिखता है अपन यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए तो इधर भी और लगेगा एक एम वी स्क्वायर बाई आर. जी सर. नॉर्मल ऑलरेडी इस डायरेक्शन में लग रहा था. हाँ जी. और इस डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन थीटा. जी सर. तो यदि फोर्स को बैलेंस करो तो आएगा एन प्लस एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा. जब वो कॉन्टेक्ट जीरो करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा जीरो. जी सर. तो अपने पास बेसिकली ये चाहिए कि किस समय एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू एम जी साइन थीटा चाहिए. अब अपन को सर क्या करना है वेलोसिटी चाहिए. जी सर. तो वेलोसिटी वो इतना नीचे आया है यहाँ से यहाँ तक नीचे आया तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं तो वी स्क्वायर आ जाएगा टू जी एच. एच है सर ये है टोटल आर. जी सर. और ये है आर साइन थीटा. तो ये हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा. तो यदि मैं यहां पर वर्ल्ड वैल्यू पुट कर दूं तो एम से एम तो वैसे कट गया वी स्क्वायर आर तो आ जाएगा टू जी वन माइनस साइन थीटा. मैं सर सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं आर से आर कट जाएगा. ये अपन कैपिटल आर लिखा दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा. जी सर. जी से जी क्या तो आ गया टू इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा. जी सर. sin theta equal to sin theta is equal to 2 by 3. अब इन्होंने पूछा हाइट. हाइट तो हाइट का मतलब है ये पूछा है. ठीक है सर. तो इस डायग्राम में अकॉर्डिंग देखे तो हाइट का वैल्यू आ रहा है a जो हाइट आ रही है वो है r sin theta. थीटा sin theta की वैल्यू यहां से आप 2/3 तो इस हाइट पर ये वहां से कॉन्टैक्ट लूज करेगा उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. जी. तो क्या बाद का मैटर अपना क्वेश्चन यहां तक पूछा था तो अपने पास आंसर आ गया 2/2. सेकेंड आंसर. ओके सर. थैंक यू. थैंक यू सर.